वकील साहब, थैंक यू सो मच, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे हमसे मिलने आ गए। देखिए, मैं मायरा को तलाक तो ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन अब हम फिर से निकाह करना चाहते हैं। देखिए सर, निकाह करने का बस एक ही तरीका है, माहिरा जी को आपसे फिर से निकाह करने से पहले किसी दूसरे आदमी के साथ निकाह करना होगा, उससे तलाक लेकर ही दोबारा आपसे शादी कर सकती है। ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन इतना बड़ा रिस्क मैं ले नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। गुस्से में आकर आप पहले ही 3 दफा माहिरा को तलाक बोल चुके हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन अब हम फिर से निकाह करना चाहते हैं। देखिए, मैंने आपको इसके लिए हायर किया है, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही होगा। तो ये सर, मैं कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। हो सकता है इस केस में कोई लूपहोल मिल जाए और आपका काम बन जाए। आप प्लीज अपनी पूरी कोशिश करिएगा। जरूर। थैंक यू। एक मिनट, आपके इस तलाक का कोई गवाह भी है? नहीं। तो लूपहोल है, हो सकता है आपका काम बन जाए। वकील साहब, प्लीज एक काम कर दीजिए, आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। थैंक यू, बाय। मायरा, मुझे लगता है सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आई होप सो। और अरमान, मैंने मन्नत मांगी थी, अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम तीनों दरगाह चलेंगे। जरूर चलेंगे। तलवार की धार हो या इंसान का दिमाग, हमेशा तेज होना चाहिए, फिर खुद ब खुद दुनिया तुम्हारे कदमों में होती है। अब मुझे मेरे दुश्मनों को मारने से कोई नहीं रोक सकता। अब कोई कितने भी पहरे क्यों ना लगा ले, उस निशान वाली बच्ची को मुझसे नहीं बचा सकता। मैं अभी जाकर उसे लेके आता हूं और यहीं हम उसकी कुर्बानी देंगे। जाइए, शैतान का साया हमेशा आपके साथ रहेगा, हमें हमारी जीत का इंतजार रहेगा। मेरा बेबी, अभी पापा आएंगे और फिर हम घूमने चलेंगे, ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम क्या चाहते हो कि हम खुद को स्कैम कर ले? हाँ, है ना अच्छा आइडिया? बहुत अच्छा, बहुत बुरा आइडिया। मुझे क्या लगता है कि तुम पागल खाने जाके सचमुच पागल हो गए हो। देखो, प्लान बहुत सिंपल है। मैं सारे पैसे लेके यूरोप भाग जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें एक कंप्लेंट लॉन्च कर देना और अपनी कंपनी की बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दो। उसके बाद तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि पैसे कहाँ गए। उसके बाद तुम भी यूरोप आ जाना और हमें इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सारे पैसे लेकर तुम्हें यूरोप भागने दूंगी? देखो, मैं यूरोप भागूंगा जरूर, लेकिन वो सारे पैसे मैं हमारे जॉइंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दूंगा।
और जब तक हम दोनों के साइंस नहीं होंगे तब तक हम दोनों में से कोई भी उसमें से पैसे नहीं निकाल सकता। और तुम्हारी इस बात पर यकीन कौन करेगा? हर कोई। सब जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। ये बात तो है, ये बात सब जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। तो फिर मुझे करना क्या होगा? सारे पैसे इस अकाउंट में डाल दो। मैंने ऑलरेडी स्विस बैंक में तुम्हारे और मेरे नाम पे एक जॉइंट अकाउंट खोल लिया है, देख लो। ठीक है। मैंने एक नया रूल बनाने वाली हूँ। आपको जब जब प्रिंसेस को गोद में लेना हो ना तो आपको मेरी तारीफ करनी होगी। अल्लाह मैं तो हुई छुई मुई। तुझे पता है वो क्यों आती है? वो क्या? अरे अरे वो जो अरे वो जब आती है तब हम लोग चाय पकौड़े खाते ना गर्मा गर्म। बरसात। हाँ बरसात। बरसात तो इसलिए आती है क्योंकि पानी जो होता है ना वो बाफ बन के उठता है और ऐसे। चल फुर्बे पका मत, कोई पानी भाप नहीं बनता, कोई बारिश नहीं है, वो तो आंसू है। तुझे बनाने के बाद खुदा खुद अपना नाम लेकर रो रहा होगा कि क्या जुबा बना दिया मैंने। अल्लाह के नाम पे कूद दे दे बेटा, 3 दिन से खाना नहीं खाया। खाना खिला दे, अल्लाह आपकी मुराद पूरी करेगा। अल्लाह आपकी बच्ची के सेहत और लंबी उम्र से नवाज रखे। आप लोग अंदर आ जाइए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? जी जी अभी लाती हूँ। बड़ा प्यारा बच्चा है। तुझे मुझसे कौन बचाएगा? अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह पे जिसकी मेहर हो उसे कोई शैतान छू भी नहीं सकता। ये पाक चादर है अब तुम्हारी बच्ची पर,
किसी शैतान का साया भी नहीं पड़ सकता। ये पाक चादर इस बच्ची की हिफाजत करेगा। या अल्लाह, अरे अरे आप कहां जा रहे हैं, प्लीज खाना खा के जाइए। अरे सुनिए, खाना खा कर मैम, मुझे सच में नहीं पता कि कंपनी का सारा पैसा कहाँ गायब हो गया है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उस चोर को पकड़ने की। मैम यहाँ तक कि हम साइबर पुलिस की भी हेल्प ले रहे हैं। मुझे ये सब नहीं पता, ये जो कुछ भी हुआ है इसे क्लियर करो। अगर वो चोर नहीं पकड़ा गया तो हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। यस मैम। क्या बात है, मेरी संगत में तुम भी अच्छी एक्ट्रेस बन गई हो। चलो आप, ये तो हो गया, अब आगे क्या करना है? आगे हमें क्या करना है, जो करेंगे ये लोग करेंगे। देखो, मैं तुम्हें एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। इन सब चीजों में रिस्क पर मेरे पैसे लगे हैं और मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरह यकीन बिल्कुल नहीं करती। तो ऐसा करते हैं कि परसेंटेज का बंटवारा करते हैं, 75-25 ठीक रहेगा ना? नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बोलते बहुत हो और अक्सर जो लोग बोलते बहुत है ना, वो परेशानी में आ जाते हैं। रुको, ये देखो। मैं सारे पैसे लेके यूरोप भाग जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें एक कंप्लेंट लॉन्च कर देना और अपनी कंपनी की बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दो। एक तो मेरे पास तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग है जिसमें तुमने ये कबूल किया था कि तुमने कायनात यानी मेरा कत्ल किया है, और ऊपर से अब ये। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन अब मुझे क्या मिलेगा इसके बदले? आजादी। वकील साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मेरी बच्ची, मेरी बीवी को मेरी जरूरत है, मैं उनके साथ में रहना चाहता हूँ। जी, मैं बात मत करता हूँ। ठीक। बेबी रजा शेख, पापा से मिलने? इसे तो नजरें हटाने का मन ही नहीं करता। अरमान, आपको पता है आज जो फकीर आए थे खाना मारने के लिए, बाद में एक बाबा आए और उन्होंने देखो इसको ये पाक चादर दी, और ये हमारी बच्ची को बुरी ताकतों से या बुरी नजर से महफूज रखेगी। थोड़ा अजीब नहीं है? इसमें डरने वाली कौन सी बात है, बल्कि ये तो अच्छी बात है कि बाबा ने ये चादर के साथ साथ दुआएं भी दे दी। हाँ, लेकिन उनका इतना कहना ही काफी है ना कि ये चादर हमारी बच्ची को महफूज रखेगी। इसका मतलब बुरी ताकतें हैं जो हमारी बच्ची को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। ये कोई खतरा है? याद है वो मैंने आपसे कहा था, बूढ़ी औरत ने भी ऐसा ही कुछ कहा था हमारी बच्ची के बारे में। मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कह रही हो, लेकिन तुम्हें अपने खुदा पे पूरा भरोसा है, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। प्लीज ऐसा सोचना भी मत कभी। हाँ वकील साहब, कुछ पता चला? एक बुरी खबर है अरमान साहब। काजी आपके और मेहरा जी के फिर से निकाह के लिए तैयार नहीं है, और तलाक के बाद भी आप मेहरा जी के घर जाकर उनसे मिलते रहे हैं, ये बात भी उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन वकील साहब, कोई ना कोई सलूशन तो निकालिए, कब तक ऐसे चलता रहेगा? प्लीज मिस्टर अरमान, कम डाउन। लोग बहुत नाराज है मिस्टर अरमान, प्लीज। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए आप उन लोगों को और नाराज मत कीजिए। ओके। क्या हुआ? नहीं, वो वकील साहब का फोन था, कुछ प्रॉपर्टी का इशू है। आप कुछ और कह रहे हैं, आपकी आंखें कुछ और कह रही हैं। झूठ बोलना नहीं आता आपको, मत बोला कीजिए। मैं जानती हूँ ये सब कुछ जो हो रहा है आप उसकी वजह से परेशान हैं, आई अंडरस्टैंड। अरे लो, ये रोने लग गया, मुझे तो। बहुत दिनों बाद मेरी जिंदगी में खुशियां आई हैं। मुझे डर है कहीं मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए।
कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन उसी बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो जाता है। इस रफ्तार से तुम शॉपिंग करती रही ना, हम सच में बैंकरप्ट हो जाएंगे। अगर इंसान अच्छा ना बोल सके तो उसे अपनी जबान बंद रखनी चाहिए। और वैसे भी ये जो मैंने शॉपिंग करी है, ये तुम्हारे प्लान के लिए है। ये कुछ मेकअप और कपड़े हैं जो हमें हुलिया बदलने के लिए काम आएगा। ये लो। Not bad. पूरी तैयारी कर ली तुमने। क्या बात है, स्मार्ट हो गई हूँ मेरे साथ रह लेके। अब थोड़ी स्मार्टनेस तुम भी दिखा दो और अपना एक फेक पासपोर्ट बनवाओ, क्योंकि इस हफ्ते के आखिर में हमें ये मुल्क छोड़ के जाना होगा। हफ्ते के आखिर में? हम तो मंथ एंड में जाने वाले थे ना। नहीं, चोरी करके चूहे जितनी जल्दी अपने बिल में छुप जाए उतना अच्छा है। और वैसे भी आजकल साइबर पुलिस बहुत स्मार्ट हो गई है, और जितनी जल्दी हमें जितने भी पैसे मिले वो लेकर हम यहाँ से वीकेंड पे चले जाएंगे। आखिरी बाजी हारना मुझे मंजूर नहीं। आखिर वो पीर बाबा थे कौन और कहां से आए थे जिन्होंने आखिरी में आके उस बच्ची को मुझसे बचा लिया? आमाद, हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों को उनकी मंजिल कभी नहीं मिलती। अगर सही वक्त पर उस बच्चे को खत्म नहीं किया गया ना, तो वो हम सबका वजूद मिटा देगी। आपको उसे खत्म करना ही होगा, आप समझ रहे हैं ना? आप परेशान ना, मैं आज रात को ही उस बच्ची को लाकर तुम्हारे सामने रख दूँ। उस बच्ची की किस्मत अच्छी हो सकती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हर बार अपनी मौत को चकमा दे दे। अब जल्दी से बड़ी हो जा, फिर हम दोनों बाजार जाएंगे और वो खाएंगे, वो जो गोल गोल होता है ना, जिसमें वो खट्टी मिट्टी चटनी डालकर तीखा 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 पानी भरकर ऐसे मुंह में भर लेते। क्या है, क्या बोलते क्या? ओ खाला प्लीज, मेरी प्रिंसेस ना स्ट्रीट फूड नहीं खाएगी, मेरी तरह एकदम हेल्दी खाना खाएगी। हाँ चुप कर बड़ी आई, तेरी तरह हेल्दी खाना खाएगी ना, तेरी तरह हेल्दी हो जाएगी। दूर हटिया से चुप। You know what, princess? ये जो खाला है ना, वो हम दोनों से जलती है। कम बेबी कम, मेरे साथ आओ। खबरदार, माहिरा ने मुझे कहा इसका ध्यान रखने के लिए, और तुझे पता है ना कि इसे कुछ भी हुआ तो माहिरा मुझे कितनी नाराज हो जाएगी। वैसे खाला, अगर मैं आपको कहूँ कि प्लीज प्लीज ये प्रिंसेस को मेरे हाथ में दे दीजिए। जब भी मुझे कोई प्लीज कहता है ना, तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। अरे तुझे पता नहीं वो नाराज हो जाएगी इसे कुछ भी हुआ तो। वो कौन? अरे वो छोटी मुन्नी की अम्मी। ओके ओके, ध्यान रखना इसका, पकड़ लो पपीते, मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए। छोटी मुन्नी बहुत जलती है प्रिंसेस ये हमसे। चलो मेरे पास आ जाओ। ओ ओ मेरी प्रिंसेस आ गई मेरे पास। ओ ओ, 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 मेरी प्रिंसेस को मेरी तरह सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन चाहिए, तो अभी से ध्यान रखना होगा। हाँ आई नो यू वेरी ब्यूटीफुल, पर मेंटेन तो करना होगा ना। अल्लाह मैं तो हुई छुई मुई। अरे हवा चलने लगी, इससे मेरी बेबी को ठंड लग जाएगी, अभी खिड़की बंद कर देती हूँ। Thank you.
हवा चली और क्या नहीं वो हवा चली थी तो क्या दुनिया खत्म होने वाली थी? इतना सा काम दिया कि थोड़ी देर के लिए बच्चे को संभाल लीजिए। आपकी लापरवाही में अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो, और आप दोनों को मैंने खास तौर पे कहा था कि इस चादर को बच्चे से अलग नहीं करना है। इतनी छोटी सी बात नहीं याद रख सकते आप? मायरा क्या हुआ था तुम्हें? इन लोगों से पूछे क्या हुआ? अभी मेरी बच्ची गिरने वाली थी, लतीफ ने उठाई हुई। इन छोटी सी बच्ची को थोड़ी देर के लिए संभाल नहीं सकते ये लोग। सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आज के बाद कोई मेरी बच्ची को हाथ नहीं लगाएगा, समझे आप लोग? मायरा मैं समझ सकता हूँ जो कुछ भी हुआ है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती नहीं किया, गलती से हो गया खाला और लतीफ से। और लतीफ पे चिल्लाने से क्या हो जाएगा? मुझसे नहीं हो रहा है अरमान। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है उनकी लापरवाही नहीं थी, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं अपनी बच्ची के साथ कुछ नहीं गलत होने दूंगी अरमान। मैंने आपसे पहले कहा है कि मेरी बच्ची इस घर में सेफ नहीं है। मायरा रिलैक्स, कुछ नहीं होगा।